28 मे दुपरिया 12 बजात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन करिबो देखर नतुन संसद भवन बर्तमान थका संसद भवन स्थान लबो ए नतुन संसद भवन टुए नतुन संसद भवन उद्घाटन लय देखत आरंभ होइसे तीव्र राजनीतिक वितर्क कांग्रेस टीएमसी एनसीपी आप जेडीयू सीपीआई आरजेडी और डीएमके के धरी देखर 19टा विरुद्ध दल संसद भवन उद्घाटन कार्यसूची आनुष्ठानिकभावे बर्तन करार कथा घोषणा करिले देखर विरोधी दल समूह अनुपस्थित जथेष्ट परिमाणे हाक पाबो एई अनुष्ठानर गाम्भीर्य दरअसलते प्रधानमंत्री द्वारा नतुनक संसद भवन उद्घाटन को घोर आपत्ति दर्शा से विरोधी दल समूह देशों विरोधी शक्ति दाबी प्रधानमंत्री परवर्ते राष्ट्रपति उज्जन करक नतुन संसद भवन इतिम्य अनुष्ठान लो तीव्र राजनीतिक विवाद सूत्रपात शासक दल और विरोधी पक्षर मजद विरोधी दल आगे जुटिया मंत्य कैसे संसद भवन आजुरी अना हल गणतंत्र आत्मा तेनेल नतुन संसद भवन मूल्यहीन उल्लेख कर विरोधी दल जुटिया मंच बोले गृहमंत्री अमित शाह संबाद मेल अनुषित कर प्रकाश कर निजस्व प्रतिक्रिया विषय राजनीति नक आहान जाना अमित शाह विरोधी नेता उद्योग अनुषान जुग दी आशा प्रकाश कर गृहमंत्रीगढ़ इतिम्य नतुन दिल्ली सम्पूर्ण से 862 कोटी टका व्यय सपेक्षे नतुन संसद भवन कामों 2020 सनर 10 डिसेम्बर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आधारशिला स्थापन कर नतुन संसद भवन इतना 28 माह पास मोदी पुनः नवनिर्मित संसद भवन उद्योजनक देशजुरी आरम्भ से राजनैतिक विवाद जक इतना शासक विरोधी मजद चलिसे तीव्रभावे वाकजुद्ध आह विपर्क सन्दर्भ कि कब खुजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे प्रधानमंत्री खुद करते हैं ये राष्ट्रपति करना चाहिए पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे दलित समाज से उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया अरे जिस जगह महत्व देना है उनकी गरिमा बढ़ाना है उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए अपने वोटों के लिए ये बात कहकर সেই আপনাদের টেলিভিশন পর দেখবলে পেলে কংগ্রেসের অধ্যক্ষ মল্লিকা অর্জুন খড়গের বক্তব্য আর 28 মে টেকবাকিভাবে উৎসর্গা করা হব নতুন সংসদ ভবন কিন্তু বিরোধীর দাবি নতুন সংসদ ভবন প্রধানমন্ত্রী নহয় উজ্জ্বল করব লাগে দেশের রাষ্ট্রপতিগুলাকে এই সন্দর্ভে রাষ্ট্রপতিক অজ্ঞাত রখাত বা রাষ্ট্রপতিক অর্ধকার রখাত তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিরোধী শক্তিসমূহে আহক চাও এই সম্পর্কে কি কব খুঁজছে বিরোধী দলের আন এগারী বিশেষ নেতা তেজস্বী যাদবে सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे बॉयकॉट करेंगे तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है तो हम लोग चाहते हैं पहला जो सेशन जो है जो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिलकर के जो है সেয়ে আপনাদের দেখবলে পালে তেজস্বী যাদবর এই সম্পর্ক নিজস্ব মনের প্রতিক্রিয়া আহক চাও এই সম্পর্ক শিবসেনা উদ্ধব ঠাকরে গোটর নেতা সাংসদ সঞ্জয় রাউতে কি কব খুঁজছে পহলা এই সবাল হামনে উঠায় তা সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রজেক্ট কে বারে কি দেশ কি আর্থিক স্থিতি খারাপ হয় ফির ভি লাখো করোড়ো রুপয়া সেকড়ো করোড় রুপয়া খরচা করকে জিস তরহ সে প্রজেক্ট কো সি প্রধানমন্ত্রী কি ইচ্ছা কে লিয়ে বানায়া क्या उसकी जरूरत थी आज जो देश की संसद की इमारत है पार्लियामेंट हाउस है वो और 100 साल चल सकती है इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटली में ब्रिटेन में फ्रांस में है वो अब तक चल रही है तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी ये इसलिए पड़ी সেয়া শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের সাংসদ সঞ্জয় রাউতের বক্তব্য কব খুঁজছে যময় দেশ চরম অর্থনৈতিক সংকটে গা করে উঠেছে সেই সময়সত রাজকোষর কোটি কোটি টাকা খরচ করে নতুনক সংসদ ভবন নির্মাণের কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই কব খুঁজছে সঞ্জয় রাউতে আর এই বিতর্ক সন্দর্ভ মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও আহক চাও তখন কি কব খুঁজছে এই বিতর্ক সন্দর্ভ the construction of parliament house at the first place and they never thought that prime minister is going to the construction of the parliament building will be completed so soon
So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. But the point remains, they never supported the project. From the day one, they have opposed it. And probably Parliament House will be open on the day associated with Veer Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. So I am sure that this is just a drama. They never supported the project. So we did not expect them also to be in the function. Here, our Honorable Minister, Dr. Himanta Biswa Sarmar, Bokhtoibo.